आजकल झूठ बोलना और झूठ बोलकर कसम खाना फैशन जैसा बन रहा है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि बात बात पर कसम खाने लगते हैं। बहुत ऐसा व्यक्ति है कि झूठ बोलकर भी कसम खाने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत कष्ट में चलती है। झूठी कसम खाने से क्या होता है? यह होता है भयंकर नुकसान। हमारा उद्देश्य है कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना। हमारा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके अवश्य बताइएगा और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत से लोग झूठी कसम खाने से नुकसान के बारे में नहीं जानते हैं और झूठी कसम खाते जाते हैं। दोस्तों, झूठी कसम खाना बहुत ही आम बात है। एक जमाना ऐसा हुआ करता था जब कोई भी झूठ नहीं बोलता था और वह जमाना कलयुग था, लेकिन झूठ बोलने से लोग डरते थे। लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है कि हर कोई झूठी कसम खाता है। झूठी कसम खाने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि नहीं जानते हैं और कसम खाने लगते हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले यह जान लेते हैं कि झूठी कसम क्या होती है। कसम का मतलब होता है आपका वचन, और यदि आप कोई कसम खा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप किसी को वचन दे रहे हैं, और एक बार यदि आप किसी को वचन दे देते हैं तो उसको पूरा करना आपका कर्तव्य बन जाता है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने का वचन देना ही तो कसम होता है। वचन देने का सिलसिला प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, यानी सतयुग से चली आ रही है। आमतौर पर कसम के अंदर हम अपने प्रिय वस्तु या इंसान का नाम लेते हैं और फिर वचन देते हैं। जैसे आपकी पत्नी आपको पूछ सकती है कि आप कल रात को नशा करके आए थे, तो आप उसको यकीन दिलाने के लिए झूठ बोल सकते हैं कि माँ की कसम मैं नशा नहीं करके आया। तो कसम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है यकीन दिलाना और एक होता है जिसकी मदद से यकीन दिलाया जाता है। इसके अलावा कई बार हमें कोई अपनी प्रिय वस्तु की सौगंध या कसम भी दे देता है। जैसे आपका दोस्त आपको किसी काम को करने के लिए माँ की कसम दे देता है और बहुत से लोग उसकी पालना भी करते हैं। दोस्तों, कसम देना और खुद कसम खाना अलग अलग चीजें होती हैं। यदि कोई आपको कसम देता है तो संभव है कि वह कसम की मदद से अपने स्वार्थ को पूरा करवाना चाहता हो, तो दूसरे की दी गई कसम को नहीं मानना चाहिए। कुछ लोगों के साथ समस्या यह है कि वे कसम में बहुत अधिक विश्वास करते हैं। खासकर लड़कियां कसम जैसी चीजों के अंदर बहुत अधिक विश्वास करती हैं और इसका फायदा लड़के उठाते हैं। वे कसम देते हैं और उनको ब्लैकमेल तक कर देते हैं। हर इंसान के लिए कसम का महत्व समान नहीं होता है। यदि कोई बुरा इंसान है तो उसके लिए आपको उसके सामने बुरा बनना होगा, वरना तो वह आपका फायदा अच्छी तरह से उठा लेगा। भगवान की झूठी कसम खाने से क्या होता है? पति की झूठी कसम खाने से क्या होता है? अपने आप को झूठी कसम खाने से क्या होता है? गाय को झूठी कसम खाने से क्या होता है? अन्य बहुत ऐसे कसम खाने से क्या होता है? इस सारे सवालों का जवाब देंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखते रहे। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को भी कसम के अंदर घसीटने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बात बात पर भगवान की झूठी कसम खाते हैं। वैसे तो भगवान की झूठी कसम खाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि भगवान इतने अधिक दयालु होते हैं कि वे किसी को कष्ट नहीं देते हैं। वे उन लोगों की तरह नहीं होते हैं जो झूठी कसम खाकर किसी को धोखा देते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो धर्म कर्म के अंदर लगाए रखते हैं और खुद को एक अच्छे इंसान के रूप में देखते हैं, उनको भगवान की झूठी कसम कभी नहीं खानी चाहिए, नहीं तो बहुत कष्ट पीड़ा से आपको गुजारना होगा। जो भगवान की झूठी कसम खाते हैं, यदि आप भगवान को बहुत अधिक मानते हैं तो उनकी झूठी कसम खाने का आपको दंड भी मिल सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे आपको रास्ते के ऊपर लाना चाहते हों, यानी कि आपको करोड़पति से रोड़पति बना सकते हैं। इस दुनिया के अंदर हर प्रकार के लोग रहते हैं, और जो निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसका कष्ट भले ही उनको इस जन्म के अंदर भोगना ना पड़े, लेकिन भोगना अवश्य ही पड़ता है। झूठी कसम खाने वाले लोग अपने पद से गिर जाते हैं और उनकी आत्मा का बहुत ही जल्दी पतन हो जाता है। यदि आप किसी देवता को मानते हैं तो उनकी झूठी कसम ना खाएं, क्योंकि ऐसा करने से वे नाराज हो सकते हैं और आपको कष्ट दे सकते हैं। देवताओं के अंदर भी इंसानों के जैसे भाव होते हैं, उनको भी मानसिक रूप से दुख होता है।
पति की या पत्नी की झूठी कसम खाने से क्या होता है। कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष ऐसी होते हैं जो अपने पति की बार बार झूठी कसम खाती हैं। हालांकि कहा जाता है कि पति की झूठी कसम खाने से उसकी आयु कम हो जाती है। यदि आप किसी के सामने अपने पति की झूठी कसम खाती हैं और बाद में उसको सत्य पता चलता है तो आप उसकी नज़र के अंदर तुरंत गिर जाएंगी और उसे यह भी पता चल जाएगा कि आपकी नज़र में पति का कोई भी मूल्य नहीं है। यदि आपको कुछ कहना हो तो बिना कसम खाए ही कहें, और यदि आपको कोई सच नहीं लग रहा है तो आप ऐसे ही बोल सकती हैं, और यदि आप कसम खा भी लेती हैं तो आपको उसे पूरा करना ही चाहिए। कसम के मामले में बात केवल पति की ही नहीं है, वरन किसी को भी किसी भी इंसान या जानवर की झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। झूठी कसम खाने से क्या होता है? मित्रों, झूठी कसम आपको कभी नहीं खानी चाहिए। पहले हम भी ऐसा करते थे, लेकिन उसके बाद जब पता चला कि यह सही नहीं है तो धीरे धीरे इसको छोड़ दिया। झूठी कसम खाने के नुकसान होते हैं, तो आइए जानते हैं कि झूठी कसम खाने के क्या क्या नुकसान होते हैं। हमारा सलाह यही है कि आप कसम ही नहीं खाएं। यदि आप झूठी कसम खाते हैं और अगले इंसान को पता चल जाता है कि आपने झूठी कसम खाई है तो आप उसकी नज़रों के अंदर गिर जाएंगे और एक अविश्वासी इंसान बन जाएंगे। ऐसा बहुत बार होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका विश्वास बना रहे तो झूठी कसम या झूठे वादों से दूर रहे। आमतौर पर इस प्रकार के इंसान मशीनी अंदाज के अंदर कई लोगों के सामने कसम खाते हैं और उसके बाद वे इनको पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद वे एक अविश्वासी इंसान बन जाते हैं। बहुत से लोगों को खुद को ही पता नहीं चल पाएगा कि वे कब लोगों की नज़र से उतर गए। हमारे यहाँ पर एक इंसान है, वह काफी बड़ी उम्र का है लेकिन उसके अंदर झूठ बोलने की बुरी आदत है। कई बार वह अपनी इस आदत की वजह से लोगों से पैसा ऐंठ लाया है। झूठी कसम खाने से आत्मा का पतन होगा। दोस्तों, जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी आत्मा का भी पतन होता है, क्योंकि झूठ बोलने से अनजाने के अंदर ही हम नकारात्मक चीजों को फॉलो करने लग जाते हैं और एक तरह से हम गलत दिशा के अंदर बढ़ जाते हैं। ऐसा करने से हमारी आत्मा का पतन होता है। आमतौर पर झूठी कसम और फेरब के अंदर पड़ने से हमारी आत्मा मरने के बाद नीच योनि के अंदर चली जाती है, और एक बार जब आत्मा नीच योनि के अंदर चली जाती है तो उसके बाद उसका वापस इंसानी रूप के अंदर आना बहुत ही कठिन होता है। और भी बहुत सारे नुकसान है झूठी कसम खाने से, आइए जानते हैं। गर्ग संहिता और विष्णु पुराण के मुताबिक झूठी कसम खाने या कसम तोड़ देने से जिसने कसम खाई है और जिसकी कसम खाई गई है उन दोनों को हानि होती है। जो कसम तोड़ता है या किसी की झूठी कसम खाता है उसके सम्मान में कमी आती है। वहीं जिस इंसान की कसम खाई जाती है या जिसकी झूठी कसम खाकर तोड़ी गई है तो ऐसा होने पर देखा गया है कि उस इंसान के स्वास्थ्य और आयु की हानि होती है और किसी ना किसी वजह से उनकी मृत्यु जल्दी हो जाते हैं। कई बार जिस इंसान की कसम खाई गई थी वह बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। कसम तोड़ने या झूठी कसम खाने का प्रभाव इंसान की कुंडली में बैठे ग्रहों के हिसाब से पड़ता है। ऐसे में आपको कभी भी कसम का दुरुपयोग करके अपने और अपनों का जीवन खतरे में नहीं डालना चाहिए। बहुत प्राचीन काल की बात है, एक स्कूल के अंदर तीन भाई थे। उनका नाम सोनू, मोनू और बोनू था। उनमें से सोनू काफी ईमानदार था और कभी भी झूठ नहीं बोलता था। वे रस्ते में पैदल ही स्कूल जाते थे और बीच के अंदर लंबा रास्ता पड़ता था। एक बार रस्ते के अंदर उनको प्यास लगी तो वे पास के तालाब के अंदर गए और पानी पिया और वहीं नहाए भी। जब घर पहुँचे तो उनकी माता ने लेट आने का कारण पूछा तो दूसरे दोनों भाइयों ने सच नहीं बताया और माता को झूठी कसमें दिलाकर यकीन दिला दिया, लेकिन जब सोनू से पूछा गया तो उसने सच बताया। उल्टा उसे ही मारा गया तो उसे समझ में आ गया कि सच बोलने पर ही मार पड़ती है, और उसके बाद वह तीनों एक जैसे हो गए। इस प्रकार से वे सिर्फ एक काम के अंदर ही झूठ नहीं बोलते थे वरन कई कामों के बारे में धीरे धीरे झूठ बोलना सीख गए। तो दोस्तों, झूठ बोलना और झूठी कसमें आपको एक बुरा इंसान बनने की ओर ले जाती हैं। आपका नैतिक चरित्र ध्वस्त हो जाएगा। यदि आपके अंदर झूठी कसम खाने की आदत का विकास हो जाएगा तो आपका नैतिक चरित्र भी अपने आप खत्म होने लग जाएगा। इसका कारण यह है कि आप झूठी कसम खाते खाते गलत रस्तों के ऊपर चलने लग सकते हैं
और यदि आपको कोई संभालने वाला नहीं है तो एक दिन आप कुछ बड़ा गलत कर देंगे तो आपका नैतिक चरित्र तो नष्ट हो ही जाएगा। आप दुनिया के किसी भी चोर के पास चले जाइए, आपको एक भी चोर ऐसा नहीं मिलेगा जो झूठी कसमें खाता ना हो। झूठी कसमें और झूठे वादे ही तो वह सीढ़ी होती है जिसकी मदद से वह चोर बना है। इंसान का वचन ही सब कुछ, दोस्तों इंसान का वचन ही सब कुछ होता है। यदि आपने झूठे वादे कर रखे हैं तो आप पशु से भी नीच हो चुके हैं। दोस्तों यदि कोई भी वचन देवता भी करते हैं तो उनको भी अपने वचन निभाने पड़ते हैं। यदि आप किसी कसम को निभा नहीं सकते हैं तो फिर आपको कसम बोलने का कोई अधिकार नहीं हो जाता है। एक सच्चे इंसान की पहचान उसके वचनों से ही होती है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। कीजिए कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा।